हेलो गाइस, मैं हूं राजकुमार दाकर और आप देख रहे हैं राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बताया था, आपको कुछ अपडेट्स बताया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कई सारे लोगों का कमेंट्स आया और उनका रिक्वेस्ट आया है कि वीडियो बनाते रहें, तो थैंक यू। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है, व्हाट इज अ सोल प्रोफाइल, मीन्स आज हम सोल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सोल प्रोफाइल क्या होता है, सोल ऑर्जन्स क्या होते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि दोस्तों, इसमें से एक या दो क्वेश्चन से पक्का आता है, किसी भी एग्जाम से आप उठा के देख लीजिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को सोल साइंस को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो चलो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज अ सोल प्रोफाइल। तो सोल प्रोफाइल क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, अ सोल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर ऑफ सोइल फाउंड इन अ गिवन एरिया। दोस्तों, जब हम किसी चीज को वर्टिकली काट देते हैं, सोइल को वर्टिकली काट देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा, ये जो आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल कटा हुआ है। मींस जब जब कभी भी इस दिशा में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी चीज को काटते हैं, तो वो कौन सा होता है? वर्टिकल डायरेक्शन होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम सोल को काट देते हैं, तो उसमें कलर वाइज अलग अलग लेयर्स दिखाई पड़ती हैं। उन लेयर को क्या कर बोलते हैं? सोल प्रोफाइल बोलते हैं। विल आर टू एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोफाइल। देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, आप सबसे पहले दो चीज समझ लीजिए, एक सोल प्रोफाइल एंड सोल ऑरिजिन, दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है और लोग क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। जहां पर लिखा आएगा, क्या लिखा आएगा? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन लिखा आएगा, तो ये मान लीजिए उसका आंसर आपको सोल प्रोफाइल देना है। तो सोल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लेयर ऑफ सोइल फाउंड इन अ गिवन एरिया, तो ये हो गया इसका। अब अगर यहीं पर अगर बात करें हम होरिजिन की, तो होरिजिन का डेफिनेशन क्या होता है? डिफरेंट लेयर इन सोल प्रोफाइल विच आर सिमिलर इन कंपोजिशन एंड अदर प्रॉपर्टीज। डिफरेंट लेयर, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन की बात नहीं हो रही है, ये इसमें स्पेशल इसकी बात कर रहा है, किसकी? जैसे कि ये वो होरिजिन हो गया, और ये जो ये हो गया इतना, तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इस क्या बोल रहा है? डिफरेंट लेयर इन सोल प्रोफाइल, सोल प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट लेयर को होरिजिन बोलते हैं। किसको? सोल प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट लेयर को होरिजिन बोलते हैं। आप समझ लिए, सोल प्रोफाइल के अंदर, इना सोल प्रोफाइल होता है ये, ठीक है? तो ये आपको हो गया इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, जो हमने सोल लेयर का, आपने एक सोल प्रोफाइल का एक डायग्राम्स बना के रखा है। तो सबसे जो अपर मोस्ट लेयर होरिजिन कौन सा होता है? ओ होरिजिन होता है। जनरली ओ होरिजिन मेनली फाउंड इन द फॉरेस्ट सोइल। आप देख लीजिए सबसे ऊपर कौन सा होता है? ओ होरिजिन होता है, जो कि सबसे पतला होता है। आप याद रखिए, कभी कभी ये पूछा जाता है, विच वन इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ थिनेस्ट लेयर इन द सोइल प्रोफाइल, तो सबसे पतली लेयर कौन सी होती है? तो ये होती है ओ होरिजिन। बट ये ओनली किसमें पाई जाती है? फॉरेस्ट सोइल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? फॉरेस्ट सोइल में पाई जाती है, और फॉरेस्ट जो होते हैं, ग्रासलैंड जो होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। कभी कभी फॉरेस्ट नहीं होता, वहां पर ग्रासलैंड लिखा आया था, तो ग्रासलैंड एरिया में ये इस लेयर होती है। उसके बाद कौन सा होरिजन आता है? ए होरिजन आता है। ए होरिजन ये किसमें पाया जाता है? जनरली कल्टिवेटेड सोइल में पाया जाता है। किसमें? कल्टिवेटेड सोइल में पाया जाता है, और अरेबल सोइल में पाया जाता है। कल्टिवेटेड सोइल ऑल्सो कॉल्ड एज अरेबल सोइल। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ये इस जो है, क्या बोलते हैं, डायग्राम्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिए। आपको ये बिल्कुल आना चाहिए, आप इसको दो बार ड्रॉ करेंगे हाथ से, तो ये पक्का आपको याद हो जाएगा। तो ए के बाद क्या आता है? ई आता है। ई को और क्या बोलते हैं दोस्तों? ई को ए टू भी बोलते हैं। क्या? ए टू हॉरिजन बोलते हैं। आप इसको भी याद रख लीजिए, कहीं भी आपको मिल सकता है ई ऑरिजिन, ऑल्सो कॉल्ड एज ए टू ऑरिजिन। तो आपको ये दिखिया ई भी, और कभी कभी ये पूछ जाता है कि कौन सा जो ऑरिजिन है जो ए एंड बी के बीच पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया मैंने, और अरुण जो कांटवा की बहुत सॉरी कांटवा जी की जो बुक है, उसमें भी ये दिया हुआ है के ए और बी के बीच में कौन सा होरिजन पाया जाता है? ई होरिजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ई होरिजन पाया जाता है। इसको डिटेल में अपन और पढ़ने वाले हैं अभी।
उसके बाद बी होरिजन आता है, बी होरिजन को सबसोल होरिजन बोलते हैं, कौन सा सबसोल होरिजन बोलते हैं, और सी होरिजन, सी होरिजन थोड़ा सा सॉलिड होता है, इसको रेगुलेट बोलते हैं, और आर होरिजन क्या होता है, बेड रॉक मीन्स एकदम सॉलिड पार्ट ऑफ द सोल प्रोफाइल, जो होता है एक कठोर जिसमें पत्थर पाए जाते हैं। तो आपको में ये देख लीजिए, अपन चलते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। सबसे पहला है ओ होरिजन, तो ओ होरिजन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होरिजन बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होरिजन बोलते हैं इसको। तो ऑर्गेनिक मैटर होरिजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, जो पत्तियां होती हैं घासों की उसमें ये पड़ी रहती हैं और इसमें सड़ती रहती हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होरिजन बोलते हैं। आप देख लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्लियर कट ओ होरिजन दिख रहा है, इसमें काफी थिक है, जनरली ओ होरिजन होता है बहुत पतला होता है। ये सरफेस लेयर एट डेप्थ ऑफ, इसमें आप प्लीज फिट ये याद नहीं करिए, ये गलत है, कहीं पर कुछ और मिल सकता है, लेकिन ये बुक में दिया था तो हमने वैसा का वैसा उठा लिया है। इसको सरफेस लेयर बोलते हैं, सरफेस लेयर क्या बोलते हैं, सरफेस लेयर ये 10-12 सेंटीमीटर का होता है जनरली, ये डार्क इन कलर होता है, सॉफ्ट इन टेक्सचर होता है। सॉफ्ट क्यों होगा दोस्तों, जब आपको पता है कि पत्तियां सड़ रही हैं तो वो सॉफ्ट होगा, और इसमें क्या है, इट्स अ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और एनिमल ओरिजिन, कई सारे एनिमल्स इसमें जैसे मर जाते हैं तो पड़ा रहता है। तो ये आपको ओ ओरिजिन, ओ ओरिजिन के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाता है, ये इसको ऑर्गेनिक मैटर ओरिजिन बोलते हैं, और ये अनकल्टिवेटेड लैंड में भी पाया जाता है। तो आपको ये 3-4 पॉइंट याद रख लीजिए, और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है पक्का। नेक्स्ट है ये होरिजन, कौन सा है ये होरिजन, तो ये होरिजन का बोलते हैं टॉप सेल होरिजन बोलते हैं, ये टॉप सेल होरिजन और बायोमेटल होरिजन, इट इज जनरली फाउंड इन द कल्टीवेटर सॉइल। टॉप सेल ये किस में पाया जाता है, कल्टीवेटर सॉइल में पाया जाता है, इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए, कल्टीवेटर सॉइल में पाया जाता है। सम ह्यूमस प्रेजेंट, इसमें कुछ ह्यूमस होता है, ये भी डार्क कलर का होता है क्योंकि इसमें अपन नील वगैरह ऑर्गेनिक खाद डालते रहते हैं। और इस बायोमेटल क्यों बोलते हैं इसको, मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लेयर, क्योंकि इसमें जो होता है ना बायोलॉजिकल, ये क्या प्रोडक्टिव लेयर है। आप जैसे बोलिए कि अपन इसमें खेती करते हैं तो प्रोडक्शन किसमें से आता है, इसी होरिजन से आता है, किससे, ए होरिजन से है। इसमें अर्थवर्म एक्टिविटी पाई जाती है, फंगस एक्टिविटी पाई जाएगी, बैक्टीरिया एक्टिविटी पाई जाएगी, इसीलिए इसको क्या होता है, इसको एक तरह से लाइव लेयर बोल देते हैं, कैसा, लाइव लेयर, लाइव सॉइल लेयर। तो आप इसको याद करिए, स्मॉलेस्ट एंड फाइनेस्ट सॉइल पार्टिकल्स रहते हैं इसके, ये भी आप याद करिए, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सारे होरिजन्स में सबसे फाइन होते हैं। अब ये अपन सिर्फ कल्टीवेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कौन सा है, ई होरिजन, आप देखिए बेटा इसको, क्योंकि ई होरिजन जो होता है ना किसके बीच में पाया जा रहा है, अपना ए एंड बी के बीच में पाया जाता है। ई होरिजन कहां पाया जाता है, ए एंड बी के बीच में पाया जाता है। तो गाइस ई होरिजन को क्या बोलते हैं, लीचिंग लेयर होरिजन बोलते हैं। अब लीचिंग लेयर क्यों बोलते हैं, आप इसको समझ लिए, इसको इल्यूवियल लेयर भी कभी कभी बोलते हैं, इल्लू ई डबल एल यू आता है, क्या आता है, ई डबल एल यू, इल्यूवियल जो आता है ना, तो एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें जो होता है ना न्यूट्रिएंट का लीचिंग होता रहता है। लीचिंग मतलब कि उसके जो लीचिंग का डेफिनेशन आप समझ लीजिए, लीचिंग क्या होता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम टॉप लेयर टू बॉटम लेयर। इसमें क्या होता है ई होरिजन में, जो ऐसे मान लो जहां पर ये ई होरिजन पाया गया तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, बी होरिजन में चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं, बी होरिजन में चले जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीचिंग लेयर होरिजन और इल्यूवियल होरिजन बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत पतला लेयर होता है, किसके बीच में, ए स्मॉलेस्ट लेयर बिटवीन ए एंड बी होरिजन, किसके बीच में पाया जाता है दोस्तों, ए एंड बी होरिजन के बीच में पाया जाता है। और इसका लाइट इन कलर होता है, मेनली सैंड एंड सिल्ट पाया जाता है इसमें, क्या, मेनली सैंड एंड सिल्ट पाया जाता है। ए पुअर मिनरल एंड क्ले कंटेंट ड्यू टू लीचिंग, इसमें क्या होता है, क्ले जो पुअर मिनरल होता है, मिनरल्स का इसमें बहुत कम होता है, मिनरल डेफिशिएंसी होती है, किसके कारण, क्योंकि लीचिंग के कारण इसमें निचली वाली डेप्थ पे चला जाता है।
तो इसमें जो है सोल पार्टिकल लार्जर देन द ए होरिजन, और जो सोल पार्टिकल्स होते हैं ना उसके से ए होरिजन से थोड़े से लार्ज होते हैं। तो आप इसको अच्छे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरली क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, इसको लीचिंग लेयर भी बोलते हैं और ए और बी के बीच में पाया जाता है। दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द ई होरिजिन। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कौन सा है, बी होरिजिन। तो बी होरिजिन को दोस्तों हमने क्या बोला है, इसको सब सरफेस होरिजिन भी बोला है। क्या है, सब सरफेस होरिजिन और सब सोल होरिजिन। तो आप इसको समझ लीजिए, ए स्पेशली किस में, ये देखो रिच इन क्ले एंड मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये क्यों होता है, क्योंकि जो ई होरिजिन के मिनरल्स थे सब इसमें आ गए, तो इसको लीचिंग इन भी बोल सकते हैं। लीचिंग वहां पर क्या होता है, लीचिंग आउट हो रहा था वहां पर, वहां से हो रहा था, लेकिन लीचिंग इन मतलब इसमें आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इलुवियल। जब आई से शुरू होता है इलुवियल, तो ये होता है इलुवियल। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जो है ना इलू देन वी आई और ए एल, तो ये होता है इसमें किसमें, सबसे में बी होरिजन में। इलुवियल मीन्स इसमें जो है ना न्यूट्रिएंट का इन होता है और वहां पर ई आ रहा था, इल्यूवियल हो रहा था, तो वहां पर वहां से लीचिंग आउट हो रहा था। देखो सम ऑर्गेनिक मटेरियल में रीच हियर थ्रू लीचिंग, और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो लीचिंग से यहाँ तक आ जाता है। प्लांट रूट कैन एक्सटेंड इन टू दिस लेयर, और इस लेयर तक प्लांट रूट जा सकती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट रूट किस होरिजिन तक अधिकतम पहुंच जाती है। तो अपना जो है क्या है, और आंसर है बी होरिजिन तक। जैसे कि आप देखो इस चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें बी होरिजिन तक जो प्लांट रूट को बताया है। दोस्तों जनरली रेड एंड ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड्स। आपको मालूम है इसमें आयरन ऑक्साइड्स का लीचिंग इन हुआ है, तो आप इसको अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा है सी होरिजिन, इसको बोलते हैं रिगोलिथ होरिजिन। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिगोलिथ होरिजिन। तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है कंपेयर टू बी होरिजिन, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं। देखो पढ़ते हैं इसको, मेड अप ऑफ लार्ज रॉक्स लम्स और पार्शली ब्रोकन बेड रॉक्स। जो बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं सोल रॉक्स, उसके वेदरिंग से टूटे हुए पार्टिकल्स ऐसा पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, वेदरिंग की प्रोसेस चलती रहती है। तो किससे बना होता है, ये लार्ज रॉक से और लम्स और पार्शली ब्रोकन रॉक्स। लम्स मतलब उसके टुकड़े। लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदरिंग मीन्स ये क्या है, वेदरिंग से बहुत कम अफेक्ट होता है। एंड हैव चेंज्ड लास्ट लीस्ट सिंस देयर ओरिजिन, और ये बहुत ही कम चेंज होता है, मीन्स इसमें बहुत मिनिमम वेदरिंग होता है। डिवाइडेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू द इट्स बींग सो फार डाउन इन द सोल सर्फेस, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत डीप में होता है, किसके होरिजन के, सोल मिट्टी के बहुत डीप में होता है। तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट जो है आर होरिजिन, आर होरिजिन को बोल क्या बोलते हैं दोस्तों, बेड रॉक होरिजिन। दिस इज द सॉलिड पार्ट ऑफ सॉइल, ये बहुत डेप्थ में होता है, सॉलिड पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डीपेस्ट ओरिजिन। अगर आ जाता है तो कौन सा, आर ओरिजिन इज द डीपेस्ट ओरिजिन। कौन सा, आर ओरिजिन इज द डीपेस्ट ओरिजिन इन द सॉइल सरफेस। नो रॉक्स और बोल्डर्स, इसमें कोई रॉक नहीं होता है, बट जो भी होते हैं वो सॉलिड पार्ट होता है। ओनली कंटिन्यूस मास ऑफ बेड रॉक, और क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टाने हो सकती है या फिर ठोस मिट्टी हो सकती है। कलर्स आर दोज ऑफ ओरिजिन रॉक ऑफ द एरिया। अब आप इसमें एक चीज और देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है लीफ लेटर वगैरह कौन सा हो गया, ये ओ ओरिजिन हो गया। ह्यूमस वगैरह किस में आ जाएगा, अपना ए भी ओ में आ जाएगा, लेकिन इसका कुछ पार्ट किस में आ जाता है, अपना ए ओरिजिन में आ जाता है। तो ह्यूमस मिक्स्ड विद द मिनरल्स, ये पूरा ए ओरिजिन का पार्ट आ गया। कौन सा, ए ओरिजिन का पार्ट आ गया। अब इसके नीचे ये आ जाएगा बी, बी मिनरल्स विथ वेरी लिटिल ह्यूमस, लेकिन ये मिनरल्स किसके, ई के आ गए। ये जो है ना दोनों लाइनों के बीच में क्या है, ये ई होरिजिन था। कौन सा, ई होरिजिन था। तो आप समझ लीजिए ई होरिजिन पतला होता है, तो सारे इसमें आ गए। अब ये आ गया अपना सी होरिजिन, कहाँ पर, जो दोनों लाइनों के बीच में, ये सी होरिजिन आ गया। और ये आ गया अपना आर होरिजिन, ठीक है। अब ई होरिजिन को क्या बोलते हैं, ए टू होरिजिन भी बोलते हैं।
जो दोस्तों ये जनरली अपना एक होरिजन था, होरिजन्स के बारे में था। इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालने वाला हूँ वेदरिंग का, और जैसे ही हमारी टीम एमपी एग्रीकल्चर का अपडेट्स का पीडीएफ या पीपीटी तैयार कर देगी तो मैं उसको जल्दी अपलोड आपके लिए कर दूंगा। तो प्लीज आप देखते रहिए, और आप हमारा, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर बहुत पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह से हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स से वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अच्छी मेहनत करिए, जिससे आपकी अच्छी रैंक आए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पोस्ट आई है। थैंक यू।